चाहिए इलायची पाउडर, इसको वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 9th डे ऑफ गणेश चतुर्थी एंड आज मंदिर पे 56 भोग लगने वाला है एंड हमारी तरफ से जाएगा 10 चीजें सोची हमने, मतलब 5 तो बाहर से मंगाएंगे और 5 मतलब घर पे बना लेंगे। पहले तो ढोकला, मीठे चावल, बासुंदी, काजू पान मिठाई एंड एक और था क्या, मटरी, ठीक है, तो वो तो हम घर पे बनाएंगे। एंड उसके बाद मैंने डैडी से 5 चीजें कुछ घर से मतलब बाहर से मंगा ली है, वो क्या मतलब केक्स, चॉकलेट्स, गुजिया एंड ऑल। तो चलो आज मतलब बहुत अच्छा लगेगा, एकदम 56 भोग सबके अलग अलग होंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना, लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टे ट्यून्ड। तो स्टार्ट करते हैं सब कुछ चीजें बनाना। तो सबसे पहले बनाते हैं बासुंदी सोया। बासुंदी के लिए मैंने सबसे पहले ये दूध लिया है, 1 या 1.5 किलो दूध है ये। एंड इस दूध को हमको बॉइल करते जाना है, एकदम अच्छे से उबालते रहना है, मतलब 20-25 मिनट्स तक, जब तक ये दूध इतना है ना तो इससे पूरा आधा ना हो जाए, एकदम थिक थिक कर लेना है दूध को हमको। तो इसको पहले आप लोग रेगुलरली चलाते रहिए जब तक ये पूरा आधा ना हो जाए। ओके, यहाँ पे ढोकले की प्रिपरेशन चल रही है एंड वहाँ पे बासुंदी बन रही है साथ में। एंड मिठाई के लिए पहले मैंने एक पैन में पानी ऐड किया है, ये थोड़ा सा 1 कटोरी। एंड ये देखो बासुंदी का दूध एकदम उबालते रहना है अपन को। एंड यहाँ पे ढोकले बन रहे हैं तो इसको पहले आपको पानी को उबालना है एंड उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शक्कर, ठीक है, 1 ही कटोरी। इसके हम क्या बनानी है, अभी ये एक पानी उबल गया है इसके अंदर अच्छे से एंड अब मैं इसके अंदर ये पूरी 1 कटोरी ऐड कर रही हूँ शक्कर की। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आप लोग को मीठा पसंद है आप ऐड कर सकते हो। एंड इसको पानी को आप शक्कर को हमको अच्छे से इसके अंदर घुलने देना है, चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ अच्छे से शक्कर इसके अंदर पूरी सी अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए जब तक इसको मिक्स कर उबल रहा है। एंड इधर हमको डालना है अब इसके अंदर ये केसर, ठीक है, अब हमें केसर को अच्छे से मतलब कलर चेंज हो जाएगा ना, तो हमको एकदम इसको एकदम मिलाते रहना है जब तक केसर का मतलब वो पूरा कलर नहीं छोड़ दे, एकदम येल्लो ऑरेंज कलर नहीं आ जाए, जब तक इसको अपन को हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है। ओके, ये पानी में घुल गई है शक्कर एंड अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने ये काजू का मिक्सचर मतलब एकदम पाउडर पीस लिया था काजू को, ये बनाकर रखा है, तो हम इसके अंदर अब ये ऐड करेंगे, एकदम धीरे धीरे ऐड करना है, पहले थोड़ा सा ऐड करना है एंड फिर इसको मिक्स करेंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ऐड करना है फिर इसको मिक्स करेंगे। पहले मैंने इतना सा ऐड किया है एंड अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी इसके अंदर। कर दिया है एंड अब इसे मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ये चाशनी के अंदर, दबा दबा कर आपको एकदम ऐसे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रह जाए, ऐसे दबा दबा कर इसको मिक्स करते रहो, ये एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये बन रही है हमारी काजू पान मिठाई और ये यहाँ पे दूध उबल रहा है बासुंदी के लिए। सो अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ शुगर, ये मैंने इतनी ली है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी आप लोगों को चाहिए आप उतनी शुगर ऐड कर सकते हो। सो पहले मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की, अच्छे से मिला दीजिए, अच्छे से इसको बस बॉईल होने दीजिए, इसमें बस एक ही काम है सबसे मेन इम्पोर्टेंट, इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। देखिए हमारा दूध एकदम अच्छे से उबल रहा है एंड अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये ड्राई फ्रूट्स, ये मैंने सब मिक्स लिए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, आप लोगों को जो भी चाहिए आप लोग ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर हम ये सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, ये चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, अब इसको अच्छे से एकदम बॉईल होने दो, फ्रेंड्स एकदम ऐसी हो जाएगी। एंड अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी, इसको अच्छे से मिलाते रहो, बस ये अपने आप ही कढ़ाई छोड़ देगा। एंड अब ये एकदम इसने कढ़ाई अच्छे से छोड़ दी है, आप लोगों को घी कम लगे तो आप लोग ऐड कर सकते हो। एंड अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये ग्रीन कलर एंड इसको अच्छे से मिक्स करो, अगर कम लग रहा है तो मतलब ज़्यादा ऐड कर सकते हो, इसको बस मिक्स करो। की है ये इलायची पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स कर लो, ये उबल रहा है एंड अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। ये देखिए दूध उबल उबल कर कैसा हो गया, एकदम इसी कंसिस्टेंसी एकदम आधी हो गई है,
तो इसको थोड़ी देर और मिक्स करते रहो, उबालते रहो। ठंडा होने के लिए रख दिया है एंड ये मैंने पैन में घी लिया है एंड ये सारे ड्राई फ्रूट्स को ऐसे कट कर लिया है एंड अब हम इस ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट करेंगे एंड इसका मॉइस्चर हमको कम करना है, कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ मॉइस्चर निकाल देना है इन सब ड्राई फ्रूट्स का, थोड़े से ही करने हैं। मैंने अलग निकाल ली है, ये बासुंदी बनकर एकदम अच्छे से रेडी हो गई है एंड अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे एक घंटे या जितने भी, अच्छे से एकदम ये ठंडी ठंडी हमको सर्व करनी है। ओके, तो अब इसे रख दो फ्रिज में ठंडी होने। मैंने ये आटे को, मतलब वो जो बैटर बना था ना, उसको एकदम ठंडे होने के लिए रख दिया एंड इसका ये आटा बन गया है एंड अब मैं ये क्या कर रही हूँ, ये आप लोग देखिए, इसका ऐसे गोला बनाना है, ये एक पॉलीथीन के बीच में रखना है एंड इसे ऐसे करके आपको अच्छे से इसे बेलना है, छोटी छोटी एकदम पूड़िया टाइप बेलते हैं ना, इसको एकदम अच्छे से बेल लो ऐसे, इसको एकदम अच्छे से बेल दिया एंड अब मैं इसके ऊपर, ये मैंने बनाया है ड्राई फ्रूट्स एंड इसके अंदर ऐड किया है ये गुलकंद का पाउडर, मतलब गुलकंद का पेस्ट एंड अब इसके अंदर हम ये ऐड करेंगे गुलकंद का पेस्ट, ये वाला इसके ऊपर, ये हमने इसके ऊपर पेस्ट ऐड कर दिया है। आप लोग को जितनी फिलिंग रखनी है आप उतनी रख सकते हो एंड इसको अब हम रख देंगे यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में रख दो एंड अब हमें एक और ऐसे गोल ऐसे लेना है। अब ये एक और पूड़ी बन गई है एंड अब हम इस पूड़ी को इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ये देखिए अब इसे ऐसे रख दी है। अगर ये आप लोग के बीच में से थोड़ी सी फट रही है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे अपने हाथ से ऐसे सेट कर लो एंड ये अब हो गई है एंड अब इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, ये देखिए ये ऐसे हो गया है एंड अब इसे स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे, ये देखिए ये ऐसे इसे कट कर लो एंड ये देखिए ये हमारी मिठाई बनकर रेडी है, ये बन जाएगी एकदम मिठाई। ठीक है, अगर शेप आपको इसका थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है तो इसको हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा दबा दबा कर दो एंड ये इसके अंदर गुलकंद भरा एंड ये हमारी काजू पान मिठाई रेडी है। बट मैंने दो बनाई लिए ऑलरेडी, ऐसे ही इसी तरह हम सारे बना लेंगे अब। ओके, मैंने सारे बना लिए थे एकदम ऐसे रोटी बेल बेल कर उसके अंदर फिलिंग करके एंड उसको फिर मैंने क्या किया ना, स्क्वायर शेप मैंने आपको उनको बताया था एंड उसके बीच में से मैंने स्क्वायर से ऐसे कट कर लिया था, तो ये देखो पान की शेप में आ गए एंड इसके अंदर बीच में गुलकंद है, तो हो गई ना काजू वाली मिठाई एंड फिर ये देखो ये बच गए तो मैंने थोड़े लड्डू बना लिए। सो या अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं, ऊपर एकदम वर्क लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी सब प्रिपरेशन चल रही है मंदिर पे। गाइस, मैं ये जो प्रसाद रखने के लिए ये सब ऐसे बॉक्सेस लेकर आ गए एंड ये इसके लिड है, सो अब इसके अंदर सब अच्छे से डाल देते हैं फिर मैं आप लोग को बताती हूँ। ओके, तो ये मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए हैं प्रसाद सब अलग अलग, ये देखो ये सब घर पे बना है, ये भी घर पे, ये और इसके अंदर अभी पान और गुलकंद का ऐसे करना है, पान का वो पत्ता होता है ना, तो ये एक और रेडी हो जाएगा। तो चलो अब मैं रेडी होती हूँ एंड आप लोग को फिर मिलती हूँ मंदिर पे। Oh!
ना मैं आप लोगों को ये टेस्ट करके बताती हूँ, पान वाली मिठाई, काजू पान मिठाई, ठीक है? इसके ये बीच वाली फिलिंग थी ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है, मस्त एकदम। इसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई थी, मतलब बन रहा नहीं था और मतलब ऐसे बीच बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, पर फिर ये लास्ट में एकदम अच्छे से बन गई। एंड अब करते हैं ये बासुंदी। इसका मुझे बहुत ज़्यादा था, मतलब हाँ बासुंदी बनानी है तो बनानी है। बहुत मस्त, इतनी मस्त लग रही है ना, वो बनाता है चालू पांडे तारक मेहता में। अब इतनी सारी और भी चीज़ें थी, अब एक एक तो मैं अब टेस्ट करके बताऊंगी नहीं, वो सब कुछ बहुत अच्छा बना है, बस सबसे ज़्यादा मुझे बासुंदी अच्छी लगी। गाइस अभी मैं और मम्मी मंदिर जाने हैं प्रसाद लेने के लिए, तो यहाँ पे सब प्रिपरेशन चल रही है। गुड मॉर्निंग, मैं और डैडी गमला और ये सब होते हैं ना, पॉट वगैरह पेड़ वगैरह लेना है, क्योंकि विसर्जन उसके अंदर ही करना है ना, सो हम लोग अभी देखने आए हैं, मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये वाला ले लिया है, यही है। चतुर्थी की सीरीज एंड या मैंने ये वाला व्लॉग एकदम मिक्स कर दिया है, मतलब कल का भी, मतलब नाइन्थ डे का भी एंड आज विसर्जन का भी। सो या एंड आप लोग पूरा देखना, आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, मिलते हैं अब कल, ठीक है।